स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश ग्रामर ओपनर ग्रामर बुक यूनिट नंबर 19 द सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज द नेम द सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टार्ट विद अंडरस्टैंड, मतलब कि आपको समझ जाए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो चैप्टर था सी सॉन्ग राइट फोर्थ वन यूनिट इंग्लिश का, उसमें पीछे वर्कबुक में ग्रामर दिया हुआ है तो उसमें हमने लर्न किया था राइट। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड वर्किंग किया था, फिर नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे वर्कबुक में, वो भी आपको सिखाए थे। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दोस्त आपको याद हो गई है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और उसमें करना क्या है, कौन से रूल्स है राइट। तो स्टार्ट विद बेसिक, फर्स्ट वन है आप अपनी बुक में देखिए, ये वाले जो ऑरेंज बॉक्स में लिखे हैं वो रूल्स है इसके राइट। सो स्टार्ट विद फर्स्ट वन, अ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज एन एक्शन दैट इज डन एज अ हैबिट। सो पहले मैं बता देती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि अभी जो काम चल रहा है वो राइट। हम यूजुअली क्या करते हैं, डेली एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी आपको लर्न करा रही हूँ राइट, मैं अभी आपको ये सिखा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट एक्टिविटी हुई राइट कि हम ये काम अभी कर रहे हैं राइट। देन आफ्टर आफ्टरनून की बात करें तो आफ्टरनून में रोज क्या करते हैं, हम डिनर करते हैं राइट, फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं राइट। तो ये डेली बेस एक्टिविटी भी हुई राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज जो भी काम हो वो रूटीन में, मतलब कि अभी ही चल रहा है, फ्यूचर की बात नहीं है ना तो सिर्फ पास्ट की बात है राइट। पास्ट यानी कि मैंने जो काम अभी कर रही हूँ राइट, मैंने जो भी काम किया वो पूरा हो चुका है, मतलब कि अ वर्क इज फिनिश्ड, कम्प्लीटली फिनिश्ड राइट। कुछ भी काम हो, जैसे कि कल छुट्टी थी राइट, तो हम बात करें तो के कल हमने क्या किया था, तो हम बाहर गए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, तो था इट मीन्स ये हुआ पास्ट, ये हुई पास्ट की एक्टिविटी। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर की राइट, तो मैं कल बाहर जाने वाली हूँ, मैं कल नए कपड़े परचेस करने वाली हूँ, मैं कल आइसक्रीम खाऊंगी राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो अभी कुछ किए नहीं है या फिर पूरा भी नहीं किया हुआ है राइट, फिनिश भी नहीं हुआ है, अभी हम कर भी नहीं रहे हैं, हम ये करने वाले हैं राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर एक्टिविटी है, हम सब इसका प्लान कर रहे हैं, मतलब कि हम वो करेंगे, अभी तक किया नहीं है। तो ये पास्ट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, क्या है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि हम रिसेंट में, मतलब हाल ही में जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो वही। तो रूल नंबर फर्स्ट कौन सा है, द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज एन एक्शन दैट इज डन एज अ हैबिट राइट। तो आपको क्या कह रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो भी वर्ब आपको दिए हैं वो, यानी कि कोई भी वर्ड्स आपको दिए हैं जो कि वो दिखाते हैं क्या, एक्शन मतलब कि कुछ दिखाते हैं, दैट इज डन एज अ हैबिट। तो हैबिट की बात करें तो व्हाट इज हैबिट, तो यस रोज ब्रश करना, रोज खेलने जाना, रोज आपका पूरा एक स्टाइल होता है, मतलब कि आप बैठे हो तो वैसे ही बैठे रहोगे रोज। फिर आपकी हैबिट कुछ ऐसी है दैट आप कर्सिव में ऑलवेज लिखते हो, तो या आप राइट हैंड से ही ऑलवेज लिखते हो, या फिर लेफ्टी है तो लेफ्टी मतलब वो लेफ्ट हैंड से ही लिखिएगा यस। तो ऐसी कुछ जो है वो हैबिट है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हम मीठा खाना पसंद करेंगे, तो कुछ कुछ चिल्ड्रन को या फिर कुछ कुछ हम लोगों को ऐसी हैबिट होती है राइट। तो किसी किसी को हैबिट ऐसी होती है कि वो खाने के टाइम में मीठा लेना पसंद ही नहीं करते, या फिर वो खाना खाने के बाद
मीठा पसंद करेंगे पर पर्टिकुलर आइटम्स राइट। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो ये हैबिट राइट। फॉर एन एग्जांपल आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल को जाता हूँ राइट। तो ये एक हैबिट हुई राइट। जैसे कि अगर आप आलसी नहीं हो राइट, ऐसे ही हम बाहर जाके आए तो थक गए, मुझे ये बुखार आ गया या फिर मुझे कोल्ड हो गया या फिर होमवर्क नहीं किया है तो वो सिर्फ बहाने बना के वो स्कूल में कुछ कुछ लोग नहीं आते राइट। पर ये हैबिट हुई दैट आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल में जाता हूँ। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली, मतलब कि ट्वाइस यानी कि दो बार। तो मेरी ये हैबिट है दैट मैं ब्रश जो है वो पूरे दिन में दो बार करता हूँ या फिर करती हूँ। थर्ड वन आई हैव उपमा फॉर माय ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट मतलब कि सुबह का नाश्ता राइट। तो नाश्ते में क्या करता हूँ मैं, मेरे पास उपमा जो है वही मैं लेता हूँ। तो अभी मेरे पास नाश्ते के लिए उपमा है। तो ये हुआ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में आपको सिर्फ इतना बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जो करते हो मतलब कि एक्शन राइट, दैट इज शोन डन एज अ हैबिट, मतलब कि आपकी जितनी भी हैबिट्स होती है उनका यूज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट वन रूल है सेकेंड नंबर, अ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो स्टेट समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो इसमें जो वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शंस राइट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो स्टेट्स समथिंग, मतलब कि स्टेट समथिंग, पर क्या स्टेट का मतलब है कि मैंने कुछ आपको कहा राइट। जैसे कि जीके जनरल नॉलेज राइट, तो टू नो मतलब कि आपको जानना जरूरी है। स्टेट समथिंग मतलब कि आपको कुछ कोई कहे या फिर आप कहीं से भी पढ़े या फिर लर्न करें या फिर वीडियो में या फिर कहीं और पे आपको कुछ जानकारी मिले राइट। दैट इज ऑलवेज ट्रू, तो वो हमेशा सच होती है राइट। मतलब कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, द वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस या फिर कोई बात या फिर कोई सेंटेंसेस मतलब कि स्टोरी मतलब कि आप कुछ भी ले लो राइट, तो वो हमेशा सच ही होता है राइट। यहाँ पे ऑलवेज ट्रू स्टेट समथिंग सेंटेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका एक रूल ये भी है कि उसमें कुछ झूठा नहीं लिखा होता है। एक रूल के हिसाब से इसमें जो भी आपको बताते हैं मतलब कि लिखते हैं या फिर सुनते हैं आप कहीं और पे, तो वो हमेशा सच होता है राइट, वो झूठ नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल द स्टार्स शाइन एट नाइट, तो स्टार्स जो होते हैं राइट यानी कि तारे, तो वो नाइट में ही शाइन करते हैं राइट। तो ये भी सच बात हुई ना, तो तारे जो होते हैं वो रात को ही दिखते हैं और वहाँ पे भी रात को ही शाइन करते हैं। दिन में तो तारे दिखाई नहीं देते और रात में जो होते हैं तो वो शाइन रात में ही करेंगे राइट। दूसरा वाला एग्जाम्पल है वन, माई टू आंट्स बेक डिलीशियस केक, तो ये भी सच है राइट। माई टू आंट्स मतलब कि मेरी दोनों आंट जो है आंटी, वो हमेशा डिलीशियस केक बनाती है। डिलीशियस यानी कि बहुत ही लजीज मतलब कि बहुत ही टेस्टी। तीसरा है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर तो हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स है राइट। तो प्लैनेट्स में एक जो है वो जुपिटर है राइट। सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो ये भी एक सच बात है कि सारे प्लैनेट में से जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो ये तीनों एग्जांपल जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो सच ही है राइट। फिर आप ऐसा बोलोगे दैट माय टू आंट बेक डिलीशियस केक्स, तो ये सच कैसे हुआ, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम आंट की जगह पे हम बात करें हमारे मम्मी की राइट, तो हमारे जो मम्मा है वो हमेशा अच्छा ही खाना बनाती है राइट। तो कोई ओकेजन होता है जैसे कि रक्षाबंधन, होली, दिवाली, नवरात्रि, कोई भी ले लो राइट, तो उसमें बहुत सारे स्वीट डिशेज हम घर पे बनाते हैं राइट। तो वो हमेशा हमारी जो मम्मा है वो अच्छा ही बनाएंगी राइट।
तो हम एग्जांपल वही ले लेंगे देन माई मदर पेट्स डिलीशियस फूड लाइक आइसक्रीम पिज्जा पिया फिर कोई भी आप एग्जांपल ले लो फूड का वो वाला तो ये भी सच बात हुई। तो ये क्या रूल नंबर टू। अभी देखो आपको ये दोनों रूल समझ में तो आ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और उसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। अभी देखो रूल्स की बात करें कि आपने ये तो सीख लिया कि ये है क्या, बट अगर आपको उसमें कन्वर्ट करके लिखना है कोई वर्ब आपको दिया है तो वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो उसके कुछ रूल्स है राइट। हमने प्रीवियस मतलब कि लास्ट टाइम इसको लर्न किया था, देखिए शी सिंगुलर नाउन आई वी यू दे एस ई एस वो सभी राइट, पर हम डीपली यहाँ पे लर्न करेंगे। तो अपनी बुक में देखिए थर्ड वन रूल, इफ द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद ही शी और इट और सिंगुलर नाउन्स एड एस और ई एस टू द वर्ब। तो क्या दिया है यहाँ से, ये रूल्स है राइट 3, 4 और 5 राइट। यहाँ तक सिर्फ आपको समझना था कि ये है क्या एग्जाम्पल के हिसाब से। अभी रूल क्या है तो आपको दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब हो तो उसमें ही शी ईट लड़का लड़की या फिर कोई एनिमल्स या फिर थिंग्स या फिर सिंगुलर नाउन मतलब कि एक ही आपको दिया हुआ है एक से ज़्यादा नहीं तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। तो शी ईट या फिर सिंगुलर नाउन दिया हो तो रूल के हिसाब से वर्ब के पीछे एस या फिर ई एस लगेगा राइट, एस या फिर ई एस लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हामिद गोज टू स्कूल एवरी डे। तो देखो हामिद, तो हामिद जो है वो है लड़का है राइट। तो हामिद गोज टू स्कूल एवरी डे वो का क्या कर दिया, गोज कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है हामिद मतलब कि वो ही लड़का है इसलिए टू स्कूल एवरी डे और आपको वर्ब दिया है गो। तो देखिए अब ही शी तो हामिद इज अ बॉय दैट्स व्हाई ही राइट टू स्कूल एवरी डे तो गो मतलब कि वो हर रोज स्कूल जाना है तो गो का हो गया गोज राइट। नेक्स्ट वन देखिए मदर बेक्स डिलीशियस केक्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था मदर यानी कि हमारी मम्मी तो वो डिलीशियस केक्स बनाती है तो देखो यहाँ पे बेक का क्या कर दिया बेक्स मदर बेक डिलीशियस केक राइट। तो बेक का कर दिया बेक्स क्योंकि ऑलरेडी ई तो था ही सिर्फ एस की हमें लगाना था। नेक्स्ट वन द मून शाइन्स एट नाइट। तो ये भी सच बात है देखो ये हैबिट थी दोनों और ये सच भी था राइट ये हैबिट थी ये सच था। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड रूल आ गया। अभी ये थर्ड तो ये ट्रूथ है मतलब कि द मून मून यानी कि चंद्रमा चंद्रमा जो है यानी कि ये शी और इट राइट जो शाइन्स शाइन्स एट नाइट। सो चंद्र जो है वो रात को शाइन करता है द मून शाइन्स एट नाइट राइट। तो ये तीनों एग्जांपल्स आ गए इसके हिसाब से राइट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतने ही रूल्स दिए हैं और फोर्थ वन रूल में आपको दिखाया गया है दैट द वर्ब एमीजर हैज हैव आर आल्सो वर्क्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एमीजर और
स्कीम है। तो हैज जब आपने यहाँ पे किया था राइट, हैज है तो आपको दिखा रहा है ये शीप के साथ लगता है हैज, एंड ये यूथ के साथ लगता है राइट। तो ये सारे जो है हैज है वो भी एक वर्ब्स ही है, पर वो है सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। अभी देखो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है राइट। तो देखिए फर्स्ट वन है माय डॉग ब्लैंक वंडरफुल ट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे पर्पल बॉक्सेस में एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि डू डज राइज राइजेस स्पिक स्पिक्स टेक टेक्स। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे वर्ड सेम है बट कहीं पे एस लगाया हुआ है कहीं पे नहीं लगाया हुआ है। तो ये जो रूल है जैसे कि ही शी या फिर सिंगुलर नाउन हो तो एस और ईएस लगता है, बट आई वी यू दे हो तो या फिर प्लूरल नाउन हो तो वर्ब में नो चेंज। ओके वर्ब में नो चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ब्रैकेट में जो भी वर्ब दिए हैं वही का वही लिख देना है, नो चेंज मीन्स एस या फिर एस नहीं लगाना है। तो देखिए माय डॉग ब्लैंक वंडरफुल ट्रिक्स, तो मेरा जो कुत्ता है वो उसके पास बहुत सारे वंडरफुल ट्रिक्स है, मतलब कि उसको आती है। तो ऑप्शन देखिए डू डस, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखा है डस राइट। तो माय डॉग इट मीन्स यहाँ पे आया इट, ही शी इट वाला इट, इट मीन्स आपको एस या फिर एस लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिए नहीं है वर्ब बट हम यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए ऑप्शन लिख रही हूँ, डू का हो गया डस। सेकेंड इन स्कूल वी डैश ओनली इन इंग्लिश। तो आपको सपोज स्पिक राइट, तो इन स्कूल राइट, तो हम जब भी स्कूल में होते हैं We speak only in English, तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करते हैं राइट। तो वी इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लूरल है, आई वी यू दे राइट, वी तो ये हुआ प्लूरल और वी, तो इसके साथ नो चेंज, इट मीन्स जो भी आपको दिया है स्पीक तो ओनली स्पीक राइट। तो हम जब भी स्कूल में होते हैं तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही स्पीक यानी कि बातें करते हैं बोलते हैं राइट। तो ये दोनों हो गया, तो इसमें जो पर्पल बॉक्स है उसमें राइट कर दीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो कि कौन सा बाकी रह गया है। थर्ड वन द सन डैश इन द ईस्ट, तो सूरज जो है वो ईस्ट में से निकलता है, तो सूरज ये फैक्ट है मतलब कि ये ट्रूथ है राइट, सच है कि सूरज का निकलने का टाइम और मतलब कि वो ढल जाता है, तो उसका जो एक टाइमिंग है वो, बट उसकी जो दिशाएं होती है राइट, तो वो हमेशा सच्ची होती है कि सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है और कहाँ राइजेस, एंड उसकी जो फिक्स है मतलब कि ईस्ट, तो चारों दिशाओं जो है राइट यहाँ पे देखो ऐसे होती है ना, तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ राइट, तो उसमें सूरज जो है हमेशा ईस्ट में से निकलता है मतलब कि राइज, तो यहाँ पे ऑप्शन है राइज राइट, तो राइज, तो यहाँ पे देखो सच भी है और द सन इसका मतलब इट थिंग्स हुई ना, ये सच थिंग्स हुई इसलिए राइजेस, ही शी इट वाला रूल राइट, सिंगुलर भी है ही शी इट भी है,
इसलिए राइस का हो गया राइसेस, राइट। नेक्स्ट वन है ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे वी वेंट लेट। तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा राइस। तो ऑन हॉलीडे मतलब कि हमारी जब भी छुट्टी होती है तो हम लेट जाते हैं, तो राइस, राइस का सिर्फ राइस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया प्लूरल और आई वी यू देगा वी, राइट। तो देयर इज नो चेंज और राइस यानी कि उठ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन है फिफ्थ, मोनिका प्लान हर डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो मोनिका जो है वो ब्लैंक उसके डॉगी के साथ हर रोज सुबह चलने के लिए निकलती है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया तो नहीं है बट टेक, राइट। तो अपने कुत्ते को लेके जाती है कहाँ पे? वॉकिंग के लिए हर रोज सुबह को, राइट। तो मोनिका इज अ डॉल इज मीन शी, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स ई और एस और एस वाला एस, टेक में ई तो ऑलरेडी है इसलिए दूसरी बार नहीं आएगा, सिर्फ आएगा एस। मोनिका टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सिक्स, चलो माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स प्लान मी टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स वंस अ ईयर। तो टेक, तो यहाँ पर फिर से टेक आया बट आपको करना क्या है? माई पेरेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी और पापा सेपरेट वर्ड में नहीं दिए हैं, पेरेंट्स मतलब कि साथ में दिए हैं, और पेरेंट्स का मतलब है मम्मी और पापा दोनों आ जाते हैं। तो ये हुआ प्लूरल, राइट। तो प्लूरल हो तो देयर इज नो चेंज इन वर्ब, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ टेक, ओके। उसमें वर्ब में तो चेंज होता नहीं है इसलिए सिर्फ लिखेंगे टेक। नेक्स्ट वन है सेवेंथ, माई ग्रैंड माई ग्रैंड फादर ब्लैंक सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे स्पीक, तो देखो माई ग्रैंड फादर, राइट। तो मेरे जो दादाजी है वो सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, राइट। सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं, मतलब हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी उर्दू कोई भी ले लो, मतलब कि वो सेवन टाइप की लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो ग्रैंड फादर, राइट, ग्रैंड फादर है इस मीन्स। तो इनको हम ही शी इट तीनों में से ही में मेंशन करेंगे, राइट। अगर ही शी इट हुआ तो स्पीक्स एस पी ए के एस स्पीक्स, ओके। लास्ट वन है एट वन, आर ब्लैंक माई होमवर्क इन द इवनिंग्स। और इन ब्रैकेट में डू, सो
देखो आई आया तो आई वी यू थे, ओके तो आई के साथ क्या आएगा, देयर इज अ नो चेंज इन वर्ब, सिर्फ हू आएगा, राइट। ही शी इट भी नहीं है, सिंगुलर भी नहीं है, राइट। बट आई तो है, आई सिंगुलर में आता है, बट आई के साथ कभी एस या फिर ईएस नहीं लगता है वर्ब में। सो आई डू माय होमवर्क इन द इवनिंग्स, ओके। जो हमारी जो एक्सरसाइज है वहाँ पे 1 to 8 वो फिनिश हो गई है, तो रूल्स, उसके एग्जांपल्स और यहाँ पे एक्सरसाइज, ये सभी आपको याद करना है और समझना है। देन आफ्टर राइट डाउन इन योर ग्रामर स्कोप, याद रखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको आएगा, उसके बाद ही आपको सिंपल पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो है वो समझ में आएगा। इसलिए यू हैव टू लर्न दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन योर ग्रामर स्कोप। थैंक यू, नेक्स्ट।